जिले के टॉप माफिया के घर पुलिस का धावा, हथियारों का जखीरा बरामद। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबे के मुखिया आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी क्रम में पुलिस संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए हर पुरजोश कोशिश करती नजर आ रही है। SSP की अगुवाई में पुलिस ने जिले के टॉप माफियाओं के घर दबिश दी और दबिश के दौरान पुलिस को इन माफियाओं के घर से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद हुआ। मेरठ के टॉप 10 माफियाओं में योगेश भदौरा, ऊधम सिंह करनावल और नीलू करनावल जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से योगेश भदौरा सिद्धार्थनगर जेल में बंद है और ऊधम सिंह करनावल आजमगढ़ जेल में बंद है। SSP ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक इनामी की मौत हो गई थी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया था। मुठभेड़ में फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने जिले के टॉप बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें 3 बदमाशों के घरों से भारी मात्रा में अवैध असलाह और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। मेरठ जनपद के जो भी माफिया चिन्हित हुए हैं और जो बड़े अपराधी हैं, कुछ सूचनाएं इनके बारे में लगातार पुलिस को प्राप्त हो रही थी। और एक मुठभेड़ में एक अपराधी की मृत्यु हुई थी कुछ दिन पूर्व, उसके साथ एक साथी फरार हुआ था, उसकी तलाश में टीमें लगी हुई थी। इसी अनुक्रम में ऊधम सिंह, योगेश भदौड़ा, लीलू, इन सभी के घरों पर पुलिस टीम SP देहात और SP क्राइम के नेतृत्व में साथ ही कई थानों की फोर्स क्षेत्राधिकारी ने दबिश दी। इसमें इनके यहाँ से भारी मात्रा में इलीगल वेपन बरामद हुए हैं। कुल 1 राइफल, 3 बंदूक और 14 कंटीनमेंट पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं, जिसका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और भी जाँच में पुलिस को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जो असला मिला है तो क्या इनपुट था पुलिस को, कोई गैंगवार या कुछ और ये करना चाह रहे थे वारदात? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद वो चीज़ें हम आप लोग से शेयर करेंगे। अभी तक जैसे मैंने प्रारंभिक तौर पे आपको बताया कि एक अपराधी मारा गया था, उसके साथी फरार हुआ था, जिस पर लगातार पुलिस की टीमें काम कर रही थी और उसी के अनुक्रम में ये दबिश हुई है और लगातार इन अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।